सोलन पुलिस ने हत्या के एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें आरोपी ने व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसके शव को अपने ही घर के आंगन में तकरीबन 11 फुट गहरा गड्ढा करके एक ट्रंक में डालकर दबाकर रखा था। पुलिस ने तकरीबन एक महीने बाद मौके पर पहुंचकर खुदाई के बाद उस शव को बरामद कर लिया है। मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी सोलन मधुसूदन शर्मा ने इसका खुलासा सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। मधुसूदन शर्मा ने बताया कि ऋषिपाल नाम का एक व्यक्ति जून महीने में सोलन से गायब हो गया। उसके भाई सतीश ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। कुछ दिनों बाद सतीश ने शक जाहिर किया कि उसके भाई का अपहरण किया गया है। इस आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच जारी रखी। इसी बीच पुलिस को सूत्रों से पता चला कि इस मामले में अजय नाम के एक युवक का हाथ हो सकता है जो कि हरियाणा के कहतल का रहने वाला है और तांत्रिक का कार्य करता है। पुलिस ने अजय को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल लिया और खुलासा किया कि उसने ही ऋषिपाल की कसौली में हत्या करने के बाद उसके शव को हरियाणा के कैथल में एक स्थान पर गाड़ कर रखा है। ऋषिपाल की पत्नी और अजय कुमार ने ऋषिपाल का अपहरण करके हो सकता है कि उसको कोई शारीरिक हानि पहुंचाई है। कसौली पुलिस ने इस एफआईआर की अन्वेषण शुरू कर दिया और गुप्त सूचना सूत्रों के आधार पर और सोलन पुलिस की टेक्निकल टीम की जो इनपुट थी उसके आधार पर कल अजय कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस हिरासत के दौरान उसने बताया कि इन लोगों ने ऋषिपाल की हत्या करके उसकी जो मृत शरीर है उसको अजय के पैतृक गांव केवड़क जो कि कैथल में है उसके आंगन में दफना दिया है। इस सूचना के ऊपर पुलिस अजय को अपने साथ लेके केवड़क गई और वहां से कल शाम को उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया। सोलन से जाविंदर दीक्षित की रिपोर्ट। आप खरीदना चाहते हैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कुंदन, एंटिक ज्वेलरी, हिमाचली ज्वेलरी, टेपल ज्वेलरी, तो चले आइए दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन। सोलन के एकमात्र ज्वेलर जिनके बिकने वाले गहने खुद दुकान पर ही बनाए जाते हैं। कॉन्टेक्ट 9816078655।